अगली कॉलर है हमारे साथ ममता जी, स्वागत है आपका। जी मैम, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी नमस्कार मैम। जी मैं इंसाफ से बात करना चाहती हूँ, बहुत दिन से लगा रही फोन, पहली बार लगा। आपको बहुत बहुत मैम बात धन्यवाद। कर लीजिए। स्वागत है आपका जी लता जी। जी नमस्कार सर, आप तो हजारों साल जी हैं सर, आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं। जी 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 सर, मुझे हकीम साहब, मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लगती ठीक है। जी, और खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, कुछ भी खा लें, इच्छा ही नहीं होती खाने के लिए। ठीक है ठीक है। जी, और प्यास बहुत दिन हो गए, कम सालों हो गए, बरसों हो गए। आयु बता दीजिए अपनी। जी मेरी 50 से ऊपर है, ठीक है छप्पन ठीक। छप्पन के लगभग। तो देखिए, प्यास लगने के लिए एक मामूली सी चीज़ बता रहा हूँ। ये जो पनवाड़ी पान बेचता है ना, ये सादा पान, ये उसमें कुछ लगाइए नहीं, कत्था चूना उना कुछ नहीं, बस आधा पान और सादा पान, सिर्फ पान और कुछ नहीं, चबा के खा लीजिए और पानी पी लीजिए। इससे आपको पूरे दिन प्यास लगेगी और आप जितना प्यास लगे उतना पानी पीजिए। और क्या सवाल खाना था? खाने की इच्छा नहीं होती और वो डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, इसके लिए आप एक नुस्खा बना लीजिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना। देखिए, बहुत मशहूर और कामयाब नुस्खा माना जाता है ये, यूनानी का। और ये नुस्खा यूँ है कि सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, जीरा अजवाइन 100 100 ग्राम और धनिया मेथी 100 100 ग्राम, इसको पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, दिखने में बिल्कुल नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता है, इसकी पहचान होती है। तो एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला दें और इस पानी से ये जो 6 चीज़ों का पाउडर आपने बनाया है, ये 1 चम्मच खाएं और ये पानी पी लें। तो ये पूरे पेट के सिस्टम पर काम करता है, 10 12 रोगों पर ये बड़ा कामयाब भी से काम करता है, घरेलू नुस्खा है। और नमक जैतून असली ने नकली भी मिल जाता है। ये एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, भूख ना लगना, इन रोगों में काम आता है। फिर लीवर हमारा सुस्त हो जाता है अक्सर, तो भूख नहीं लगती, तो लीवर को कहता है कि जिम्मेदारी से काम कर अपना और थोड़ा फास्ट हो जा। किडनी की बड़ी सफाई करता है और भूख लगाता है, वर्म दूर करता है, इन्फेक्शन दूर करता है, बवासीर दूर करता है, बहुत सारे रोग को फ़ायदा करता है, स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी मेरठ से हैं राजकली चौहान जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार, नमस्कार मैम। कहीं साहब को मेरा नमस्कार जय हिंद, स्वागत है जी। सर मेरी दवाई चल रही थी गोन श्याम, आप की 4 5 महीने हो गए, 6 महीने हो जाएंगे, छठा महीना चल रहा, तो मुझे उसमें 2 3 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद फर्क लगना शुरू हुआ। तो मैंने आपको 1.5 महीना बाद ये कॉल की थी, उसके बाद लगी मेरी, तो वो गोन श्यार बराबर चल रहा है। मुझे वो बताया था कि धनिया धनिया का एक वो पाउडर बनाकर आधा ग्राम शाम को लेती हूँ, आधा सुबह को, तो मुझे फिर उसमें आराम लग जाता, ऐसा 30% मुझे आराम लगा तीसरे चौथे 5वें महीने में। ठीक है। तो उसके बाद मेरा ना 2 हफ्ते पहले मैं सर गिर गई थी, इस पैर मेरा स्लिप हो गया, उसके बाद मेरे जो नहीं गिरी मैं, उससे मेरा पैर फिर सूने ऐसे ही हो गए, वो झंझनाहट हो रही में। तो मैं इसलिए पूछ रही थी, मैंने एक्सरे वगैरह भी करवाया उसका, 2 हफ्ते तो इतनी हालत खराब रही कि मैं जो करवट लेने भी मुश्किल हो गई, उसकी भी दवाई चल रही मेरी, तो मैं सब बराबर लेती ले ही रही, वैसे उनकी दवाई भी चल रही है, यही सब रेगुलर ले रही मैं। ठीक है। जी अच्छा देखिए, अभी तक तो आप ठीक भी हो जाते पूरी तरह, और क्या वजह, एहतियात कर किया करें, और इस उम्र में गिरना बड़ा ख़तरनाक है।
और ये दवा छोड़े नहीं आप, डॉक्टरों का कुछ भी इलाज करें ये दवा छोड़े नहीं, और उसी तरह लें और धनिया भी लिया करें, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें, और ऐसे चप्पल ले लें आरामदेह, जो चाहे कितने ही वो हो लेकिन वो फिसले नहीं, रपट जाते ना अक्सर, हम चिकना फर्श हो या बाथरूम के में गिर जाते हैं, तो बाथरूम कभी जाएं तो बगैर चप्पल पहने ना जाएं, अक्सर बड़ी उम्र के लोग बाथरूम में गिर जाते हैं, और ये तो भगवान ने आपकी बड़ी सुरक्षा की, नहीं तो हड्डी टूट जाती है, कूल्हे की जो बॉल है वो टूट जाता है, भगवान ने आपको बचा लिया, आप एक बार फिर अच्छे हो सकते हैं जी। अगले कॉलर हैं रतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। जय भारत। रतन जी जय भारत जय भीम जी। मैं रतन तन्हा, साहिबगंज झारखंड जी, मेरे शहर का नाम साहिबगंज है जी। तो मैं कहना चाहता हूँ, वो जो बुजुर्गवार थे जिसे जिन्हें मैंने दर्द के लिए दवा दी थी काले दोन, वो ठीक हो गए, उनकी पत्नी कुछ प्रॉब्लम है और लंबा प्रॉब्लम है, वो उनको कब्ज की शिकायत है 50 वर्ष से, और कब्ज के चलते मैंने बवासीर हो गए, वो परेशान है, पतली दुबली, मैंने आप उसको देखेंगे तो पतली दुबली, मैंने हड्डी पर सिर्फ चमड़ा चढ़ा हुआ इस टाइप की, लेकिन दिन भर काम करने में और प्रकृति के विरुद्ध चलती है, मैंने फिर पूरा परिवार करीब करीब प्रकृति के विरुद्ध चलता है, मैंने रात में 1 बजे तक जगना और 10-11 बजे तक सोना, हाँ, और उसके बाद तब ये तो प्रकृति के विरुद्ध चलना हुआ सर जी, और परेशानी कब्ज का इतना है कि वो आप जब उनका पति ठीक हुआ तो आप वो हमको तो कह रही है कि मेरा कब्ज और बवासीर पादी बवासीर है, उसे ठीक कर करो, मैं क्या करूं, मैं तो आपके शरण में क्या कर सकता, मेरे पास है कुछ लेकिन 50 वर्ष का मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या दूं क्या नहीं दूं। हाँ देखिए, आप बहुत सेवा कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मुझे याद है आपका पूरा वाक्या, मैंने किसी को बताया भी आपकी जो ये कोशिश जो कामयाब हुई, एक बुजुर्ग बैठे रहते थे और आपका दिल चाहा कि ये चलने लगे, फिर आपने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनका इलाज किया, गौंसिया दिया, भगवान ने उनको अच्छा किया, ये बात मैं भूल नहीं सकता कभी जीवन में, और ऐसे ही लोग घर घर हैं, देखिए ये अच्छे हुए तो इनकी पत्नी ने भी आपसे इलाज के लिए कहा, लोग ढूंढ रहे हैं इलाज, तड़प रहे हैं अपने रोग के लिए लेकिन इलाज नहीं मिलता है, मैं आप तक घरेलू नुस्खे पहुंचाता हूं और आप भी जिम्मेदार हैं कि वो नुस्खे आगे तक पहुंचा रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, कभी दिल्ली आए तो मुलाकात करें, और उनको देखिए एक तो 2 बार 1 चम्मच सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं और खाने के बाद भी, 1 चम्मच ये अरंडी का तेल, इसे कैस्ट्रोल ऑयल भी कहते हैं, 1 चम्मच पिलाएं और 1 हफ्ते तक 1 ही चम्मच पिलाएं, और जब भी पिलाएं उसके बाद गरम गरम चाय या पानी ज़रूर पिए, ठीक है, और इससे फ़ायदा कम लगे तो 2 बार भी ले सकते हैं 1-1 चम्मच, फीका होता है ये गर्म पानी या गर्म दूध में मिलाकर भी लिया जा सकता है, और वही नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और 6 चीज़ों का पाउडर, सौंफ सौंठ जीरा अजवाइन धनिया मेथी, आपको मालूम ही है सौंफ सौंठ जीरा अजवाइन धनिया मेथी का पाउडर बना लें, 1 चम्मच खिलाएं और ये पानी पिलाएं, दिन में 2 बार ऐसा कर सकते हैं तो उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है जी। महाराष्ट्र से हैं मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। सलाम वालेकुम हकीम साहब जी। वालेकुम सलाम। सर वो मेरा है ना वो हार का ऑपरेशन हो गया है, वो दो ये डाले उसमें स्टैंड, तो उसमें ना
मेरे को अभी मैं सिरका ले रहा हूँ, तो इसे वापस मुझे ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, इसके लिए सिरका ले रहा हूँ। और कितना दिन लेना पड़ेगा मेरे को? मैं अभी एक महीना हो गया चालू किए है, और दो टाइम लेता हूँ मैं, ठंडे पानी के साथ। गर्म पानी से लिया तो मेरे को बहुत सर्दी हो रही, और मेरे को है ना अभी डॉक्टर ने वो गोली हमेशा के लिए खाने को बोला है, तो मेरे को किडनी और लीवर खराब नहीं होना चाहिए गोली दवा से, इसके लिए मेरे को दवा बताइए। और जैतून का जो क्या नमक और आलसी, तो आलसी मुझे वो आलसी खाएगा तो फैट बढ़ेगा उससे, कुछ ऐसा मतलब हरको चर्बी भी चढ़ेगा आलसी से। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, आलसी में जो ऑयल होता है उसमें फैट नहीं होता। अलसी, बादाम, अखरोट, इसके तेल फैट नहीं बल्कि फैट को कम करते हैं, ये याद रखें, तो उससे फैट नहीं बढ़ता। और ये जो स्टंट पड़े हुए हैं, जिसको भी स्टंट पड़ते हैं उनको बार बार ब्लॉकेज होता है, ऐसे मरीजों को चाहिए साल में 3 महीने कम से कम ये सिरका इस्तेमाल किया करें, और दो दो चम्मच दो बार तीन ले सकते हैं, पूरे दिन में 3-3 चम्मच भी ले सकते हैं, और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा भी मिला सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सिरका नहीं चलता, तो उन्हें चाहिए कि एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी जैतून का नमक 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में एक बार या दो बार लिया करें, इससे भी इन्हें वही फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, राजस्थान से हैं पल्लवी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। पल्लवी जी स्वागत है आपका। मैं 3 महीने से बॉन्सिया खा रही हूँ। मेरा से दर्द बढ़ा हुआ है, कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऊपर तक कोठा तक आ गया है। अच्छा ये बताइए, वेस्टर्न टॉयलेट है आपके घर में? हाँ, बाकी मैं सारी चीज फॉलो कर रही हूँ, वेस्टर्न टॉयलेट भी और ऊपर बैठना उठना, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है ठीक है। तो देखिए, जितना आपके पास कौनसिया है वो खाते रहें, और 5 दिन तक दर्द की दवा खाएं साथ में दोनों टाइम, और एसिडिटी की दवा खाएं, बस 5 दिन, उसके बाद आपकी शिकायत दूर हो जानी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका दर्द बहुत बढ़ता है फिर मुश्किल से कम होता है, तो ये दर्द की दवा जो एलोपैथिक आप ले लें दोनों टाइम, तो ये उसके दर्द को भुला देती है और आदमी दवा खाता रहता है, नहीं तो हौसला छोड़ देता है। तो 5 दिन लें और फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको पूरे नुस्खे को ख़त्म कर लें। आधा आधा ग्राम खाना है कौन से अगर आप ले रहे हैं, तो अभी 1-1.5 महीना और चलेगा, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, मध्य प्रदेश से हैं सीताराम जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है जी। सीताराम जी मैं हाजिर हूँ, आदाब, स्वागत है आपका। जी साहब, ये है कि पेट की समस्या रहता है। पेट? हेलो, पेट में क्या होता है बताइए। पेट में गैस बहुत बनती है, सूजन रहती है, खाना हजम नहीं हो। ठीक है ठीक है। दो किस्म के इलाज होते हैं, एक तो आप कर रहे होंगे तरह तरह के इलाज, वो फौरी तौर पर फ़ायदा भी हो जाता होगा। एक मुस्तकिल इलाज है जो हमारे सिस्टम को अच्छा करता है पेट के, और वो इतना कामयाब और मशहूर है, घरेलू नुस्खा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कार्यक्रम में मैं कम से कम 5-6 बार बताता हूँ, इतने पेट के रोगी हैं और बेशतर लोगों को फ़ायदा भगवान देता है। आपके किचन की 6 चीज़ें हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें लीजिए। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, और एक आता है नमक जैतून, वो असली ख़रीदें, एक चुटकी 2 गिलास पानी मिलाएं, और ये पानी से दिन में एक बार या दो बार, खाने से आधा घंटा पहले ले लिया करें।
आपको फायदा होना मुमकिन है जी।